इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर ओकिनावा एक नए प्रोडक्ट के साथ भारतीय बाजार में उतरने वाला है। ये साल 2022 का उनका पहला लॉन्च होगा और अभी तक इसका नाम रखा जा रहा है ओकी 90। अब इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं है, बस एक बार इसे टेस्टिंग करते हुए कुछ लोगों ने देखा था साल के शुरुआत में, पर हाँ कोई खास इन्फॉर्मेशन इसके बारे में अभी तक बाहर नहीं निकली है। लेकिन एक्सप्रेस ड्राइव्स को कुछ खास सूत्रों से पता लगा है कि इसमें कुछ ऐसे फीचर हैं जो कन्फर्म हो चुके हैं और आज मैं आपको उन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ। पहला फीचर जो कन्फर्म हुआ है इस स्कूटर के अंदर वो है इसका व्हील साइज़। ज़्यादातर जो स्कूटर्स होते हैं उनमें आपको या 10 या 12 इंच के व्हील्स देखने को मिलते हैं, जो थोड़े परफॉर्मेंस वाले स्कूटर होते हैं उनमें आपको 14 इंच तक के व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, पर ओकिनावा के नए स्कूटर में आपको देखने को मिलेंगे काफ़ी बड़े 16 इंच के अलॉय व्हील्स, और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा साइज़ है, ऑलमोस्ट जो मोटरसाइकिल्स होते हैं उनके बराबर का साइज़ का व्हील इसमें दिया हुआ है। इस स्कूटर की मोटर 3800 वॉट्स की है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है पुराने ओकिनावा स्कूटर से, जिसमें आपको 800 या 1000 वॉट की मोटर्स देखने को मिलती थी। ये डेफिनेटली ज़्यादा पावरफुल होगा किसी भी पुराने ओकिनावा स्कूटर से, क्योंकि ओकिनावा को अब कम्पीट करना होगा एथर 450X और ओला S1 प्रो जैसे स्कूटर्स के साथ, तो उन्हें लगभग उसके आसपास की परफॉर्मेंस देनी होगी। तो इसकी जो टॉप स्पीड है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। और तो और ओकिनावा ने इस बार जो मोटर है उसकी प्लेसमेंट चेंज कर दी है। ज़्यादातर जो ओकिनावा के जितने पुराने स्कूटर थे उनमें आप देखते थे कि जो पीछे वाला पहिया होता है उसके अंदर एक हब में एक मोटर लगी होती है, पर इस बार ओकिनावा जो मोटर है उसे गाड़ी के बीच में प्लेस करेगा, थोड़ा नीचे की ओर, जैसे ऑलमोस्ट जैसे इंजन्स प्लेस्ड होते हैं। और जो ये मोटर है ये एक बेल्ट के ज़रिए से जो पीछे वाला व्हील है उसको घुमाएगी। तो ये बड़े व्हील साइज़ और मोटर के नई प्लेसमेंट की वजह से हमें उम्मीद ये है कि ये नया स्कूटर ओकिनावा का पुराने जितने उनके प्रोडक्ट्स हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट होगा चलाने में, फील में और राइड कम्फर्ट में। इसी के साथ साथ हमें ये भी कन्फर्मेशन मिल चुका है कि एक बार फिर से इसमें आपको रिप्लेसेबल बैटरी देखने को मिलेगी। ओकिनावा के पुराने स्कूटर्स हैं उनमें भी आपको रिप्लेसेबल बैटरी देखने को मिलती है, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि अगर कभी आपकी बैटरी ख़त्म हो जाए तो आप क्विकली एक दूसरी चार्ज बैटरी इसमें फटाफट डाल सकते हैं, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा और डाउन टाइम जो है वो कम हो जाता है। ये एक लिथियम आयन बैटरी होगी ऑब्वियसली, और जो इसका साइज़ है वो भी पुराने जो प्रोडक्ट्स हैं ओकिनावा के उनकी बैटरीज़ के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसकी जो रेंज है वो भी ज़्यादा होने वाली है। करीब करीब 150 किलोमीटर या उससे थोड़ा ज़्यादा आपको ज़रूर मिल जाएगा एक सिंगल चार्ज में। इसके अलावा जो टेस्ट म्यूल था उसमें साफ साफ दिख रहा था कि इसके जो दोनों व्हील्स है उसमें आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी, हो सकता है ABS या CBS जैसी कोई सेफ्टी टेक्नोलॉजी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और सस्पेंशन के मामले में आपको आगे एक टेलीस्कोपिक फोक मिलेगा, पीछे दो स्प्रिंग्स मिलेंगे जो कि काफ़ी कंफर्टेबल होने चाहिए। बट ऑल टुगेदर जो स्कूटर है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्पोर्टी होने वाला है किसी भी पुराने ओकिनावा ऑफरिंग्स के मुकाबले, और ये डेफिनेटली मार्केट का जो ट्रेंड है उसके साथ ओकिनावा काइंड ऑफ चलने की कोशिश कर रहा है। ओकिनावा ने खुद भी कुछ टीजर्स लॉन्च किए जिसमें हमें ये पता लगता है कि इसमें आपको LED सेटअप देखने को मिलेगा लाइट्स के लिए, तो आगे आपको LED हेड लैम्प, पीछे LED टेल लैम्प्स, और जो टर्न इंडिकेटर्स वो भी आपको फ्रंट एप्रन में ही देखने को मिल जाएंगे। तो स्कूटर काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी मोस्ट प्रोबेबली दिखेगा। इसके अलावा जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा वो भी एक डिजिटल कलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा हमारे हिसाब से, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ओकिनावा को अब एथर और ओला जैसे नए कंपेटिटर से कंपीट करना है, और इसमें हो सकता है आपको कनेक्टिविटी फीचर्स मिले, नेविगेशन का फीचर मिले, व्हीकल स्टैटिस्टिक्स, ऐसी सब चीज़ें जो बाकी स्कूटर्स में ऑफर हो रही है हो सकता है वैसे ही कुछ फीचर्स आपको इस स्कूटर में भी मिलेंगे। प्राइसिंग अभी हमें एग्जैक्टली नहीं पता है, ऑब्वियसली 24 तारीख को स्कूटर लॉन्च होगा, पर करीब करीब 1,20,000 के आसपास इसका प्राइस होने के चांस हैं। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन ओकिनावा ओकी 90 के बारे में जो हमारे पास है। कुछ कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन है, कुछ हमने अंदाज़ा लगाया कि इसमें हो सकती हैं चीज़ें, पर अगर आपको डेफिनेटली जानना है इसमें सब क्या मिलेगा तो 24 तारीख को इसका लॉन्च है और हम इसे कवर करेंगे, हम इसका रिव्यू भी करने की कोशिश करेंगे। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को और हमें फॉलो करें हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, ताकि आपको ऐसे ही एक्सक्लूसिव अपडेट्स, रिव्यूज़ और न्यूज़ मिलती रहे। अभी मैं आपसे विदा देता हूँ, अगली बार तक के लिए सेफ़ रहें और सेफ़ राइड करें। बाय बाय।